नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। मोदी कहां चाय बेचते थे पता लगाएं, कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा। कांग्रेस प्रवक्ता आनंद शर्मा ने अमेरिका के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा पर कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी कहां चाय बेचते थे मीडिया पता लगाए। शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री भावुकता की नौटंकी करना बंद करें। उन्होंने सवाल किया कि अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा सुबह से शाम तक उसी पोशाक में मिल जाएंगे, जबकि मोदी फैशन शो की तरह कपड़े बदलते हैं और बात करते हैं गरीबी की। सोमनाथ भारती को सुप्रीम कोर्ट का झटका, करना होगा सरेंडर। विवादों में घिरे आप विधायक सोमनाथ भारती उच्चतम न्यायालय से किसी प्रकार की राहत पाने में सोमवार को असफल रहे, जिसने उन्हें घरेलू हिंसा एवं हत्या की कोशिश के मामले में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया। भारती की पत्नी ने उनके खिलाफ घरेलू हिंसा एवं हत्या की कोशिश का मामला दर्ज कराया है। प्रधान न्यायाधीश HL दत्तू और न्यायमूर्ति अमिताभ रॉय की पीठ ने मामले की सुनवाई गुरुवार के लिए स्थगित करते हुए कहा कि उन्हें सोमवार शाम तक पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया जाता है। ISIS में ऑस्ट्रेलियाई लड़ाकों की संख्या दोगुनी हुई। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री जूली बिशप ने कहा कि पिछले वर्ष सीरिया और इराक में इस्लामिक स्टेट समूह के लिए लड़ने वाले ऑस्ट्रेलियाई लड़ाकों की संख्या दोगुना हो गई, लेकिन आगे यह संख्या इतनी तेजी से बढ़ने की उम्मीद नहीं है। ऑस्ट्रेलिया लड़ने के लिए अपने नागरिकों को लुभाने की IS की क्षमता को लेकर चिंतित है और ऐसा समझा जाता है कि कम से कम 20 नागरिक वहां मारे जा चुके हैं। IS को दाएश के नाम से भी जाना जाता है। ब्रेन ड्रेन वास्तव में ब्रेन गेम है, नरेंद्र मोदी ने कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि ब्रेन ड्रेन यानी प्रतिभा पलायन वास्तव में ब्रेन गेन यानी प्रतिभा लाभ है, जो उचित समय पर भारत की सेवा करेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि अब समय आ गया है जब भारतीय दुनिया को अपनी ताकत दिखा सकते हैं। मोदी ने यहां लोगों से खचाखच भरे सैप सेंटर में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि ब्रेन ड्रेन ब्रेन गेन बन सकता है, यह वास्तव में ब्रेन डिपॉजिट है और यह उचित समय पर अपनी मातृभूमि की सेवा करेगा। भाजपा सांसद ने गणेश पंडाल में उड़ाए लाखों के नोट। गुजरात से भाजपा सांसद और कृषि मंत्री के बेटे की ओर से गणेश पंडाल में नोटों की बारिश करने का मामला सामने आया है। एक वीडियो सामने आया है जिसे कथित रूप से भाजपा सांसद राजेश चुड़ासमा जूनागढ़ जिले में आयोजित कार्यक्रम में नृत्य कर रहे लोगों पर नोट उड़ाते दिख रहे हैं। भाजपा नेताओं ने इसका बचाव करते हुए कहा कि यह एक परंपरा है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।